हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग है गाइस कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं, जो आपको बताना चाह रहे हैं, अपने दिल की हालत, अपने दिल की बात, जो आपको सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब सुनेंगे कि आपके पार्टनर मेल या फीमेल जो भी हैं क्या कहना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे दिया गया है गाइस कि व्हेन यू सी ए फेलिंग स्टार लाइट, मेक अ विश इट टिल कम ट्रू, बिकॉज आई विश एंड आई फाउंड यू। बहुत ही प्यारा मैसेज है गाइस, आप समझ सकते हैं। दूसरा मैसेज है, यहाँ पे दिया गया है, आई चॉइस यू, माई होल हार्ट विल बी योर फॉर एवर, दिस इज ब्यूटिफुल स्टार्ट टू लाइफ लॉन्ग लव लेटर। ये भी बहुत ब्यूटीफुल संदेश निकल कर आया गाइस। यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है गाइस, आई लव यू मोर, यू शट अप, नो यू शट अप, आई लव यू मोर। आप दोनों के बीच इतना प्यार है कि आप दोनों एक दूसरे को चुप करा रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फीमेल बोल रही हैं कि मैं तुमसे प्यार बहुत ज़्यादा करती हूँ। एक दूसरे को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा करता हूँ और तुम नहीं, और तुम नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये रीडिंग निकल कर आ रही है गाइस। लव इज़ फीलिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, लव इज़ फीलिंग ए रिलेशनशिप वेरी इम्पॉर्टेंट, यानी प्यार का रिश्ता जो है उसको फील करना, उसको महसूस करना किसी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट वॉज ऑलवेज यू, मैं तुम्हारे सुरक्षा के लिए, तुम्हारे सपोर्ट में मैं ऑलवेज खड़ा रहूँगा। ट्रू लव इज नाइट हग आफ्टर ए फाइट, ये असली प्यार का एक छोटा सा नमूना है गाइस। इंसान अगर सबसे ज़्यादा प्यार उसी से करता है और उससे लड़ाई भी सबसे ज़्यादा करता है, तो समझ जाइए आप में नोक झोंक हो रही है, प्यार भरी नोक झोंक हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और फिर बाद में मामला सलट जाता है, तो ये ट्रू लव का पहचान होता है।